देंगे। अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है उनकी मदद करने के लिए, उनको एड दे रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, अफगानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते, पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है, जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी की। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान बायकॉट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं इस वीडियो में बात हो रही है अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते के बारे में। पाकिस्तान ये सोचते थे जैसे ही तालिबान आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे और भारत वहाँ से माइनस हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तानियों को ये था कि मुस्लिम कार्ड खेलकर वो अफगानिस्तान के बहुत करीब हो जाएंगे और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अफगानिस्तान में अब तालिबान भी आया है तो भी भारत की वही वैल्यू है जो पहले थी अशरफ गनी के टाइम पे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। तो जो इन्वेस्टमेंट की थी तो जब तालिबान आए तो इंडिया ने कहा कि शायद मेरी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, लेकिन अभी दोबारा से स्टेप अप ले लिया इंडिया ने, स्टेप ले लिया कि उन्होंने कहा कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो हम पूरी करेंगे। तो क्या समझते हैं अब, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब है, अफगानिस्तान बायकॉट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई है, अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है, क्या वजूहत लगती हैं आपको? बेसिकली इंडिया कभी मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं वो रहे हैं और इस वक्त वो इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अपनी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इनको एक डिग्रेड करें और पाकिस्तान के लिए नीचा दिखाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, वो हम सबको पता है कि जिस तरह वो कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पैदा हुई थी, जिस तरह वो बनी थी, दैट वो पाकिस्तान का रोल भी था उसके अंदर कि एक किस्म को उसने उसको बैक किया और वो लेके आए हैं वापस उसको, तो मे बी कि अंदर वाले जगह पे कुछ बेहतरी होने के चांसेस भी हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त जो था इंडिया हर प्रोपेगेंडा में वो पाकिस्तान को खिलाफ करता है, जिसकी वजह से वो हिट करने की कोशिश करता है। तो आपने कहा मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, आपको मैं मतलब के बताना चाहूँगा कि मैं आपकी इस बात से एग्री क्यों नहीं करता। टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता रहा है कि उनको मौका भी है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया हेरात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माजी में भी चले जाएँ तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी बट 80s 90s में था, कहीं पे हम समझते थे कि अफगानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कला को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमरीका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इट्स वो क्या कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी, तो पाकिस्तान जो है उसको
ये बताया गया जी कि ये तो इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था, और पाकिस्तान को ये था कि भाई अगर हम अगर अफगानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकगनाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया, अभी हमने खुद भी रिकगनाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हुआ हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है, और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान की अवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है, जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखे पिछले एक साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है, उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा दा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं, हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पर भी सुनने को वो तैयार नहीं है, तालिबान अपनी उस बात पर जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान जो है वो एक किस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देर इज़ हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन, सो आपने जो भी करना है ना आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है आप 19वीं सदी में। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, बैकडोर पर भी तालिबान के साथ भारत के डिप्लोमेटिक टॉक्स पाकिस्तान को काफ़ी चुभ रहे हैं, और चुभेंगे भी यार, क्यों नहीं चुभेंगे यार, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान की जिस हद तक मदद की ना उनको खड़ा करने में, उसके बाद तो ये सीन होना है। मतलब ये ऐसा सीन है यार कि आप बचपन से किसी को पाल पोस कर बड़ा करो और उसके बाद ऐसा सीन हो कि वो आपने जिसको पाला पोसा वो आपको ही धोखा दे दे, तो तालिबान ये कर रहा है। बट अब पाकिस्तान को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को बनाया किसके खिलाफ, यूएस के खिलाफ, यूएस के खिलाफ इन्होंने बनाया, खड़ा किया, जो भी कुछ किया सब कुछ किया, यूएस से पैसा लिया तालिबान के खिलाफ लड़ने में, डबल गेम यूएस के साथ खेला, अपना अड्डा दिया, अपना स्पेस दिया, अपनी जगह दी निकलने को, सब कुछ दिया, तो ये डबल गेम इन्होंने खेला, तो इनके साथ ऐसा ही होना था यार, ऐसे सीन होना ही था। अब ये लोग क्या सोच रहे थे, आपको पता है जब तालिबान आया था तो पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन हुआ था कि इंडिया वहाँ से पूरी तरह से निकल गया, यूएस निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी इंडिया ने तालिबान की गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है, बट बैकडोर में हमारे जो टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल हैं और ये सबके सामने आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हो, हमें अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे करने, अब हम क्या करें, वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट हो या एक्स वाई जेड गवर्नमेंट हो, वहाँ का जो करंट रूलर रहेगा उससे हमें संबंध बनाने ही पड़ेंगे। ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट के तौर पर तो ऐसा भी कोई सीन चल नहीं रहा है, बट बैकडोर में हमारी जो उनके साथ टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल हैं। अगर तालिबान को दुनिया के सारे देश मान्यता देंगे तो उस दिन भारत भी मान्यता दे देगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी नॉर्मली बैकडोर पर जो चल रहा है उससे हमारा एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा इन्वेस्टमेंट है जो वहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ है, और तालिबान हमारे साथ खड़ा है तो पाकिस्तान वैसे ही उनकी बैंड बजी पड़ी। आपको क्या कहना है, प्लीज़ कॉमेंट और अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर।